देखते हैं आज मेंटोर कैसे ढूंढना है, ओके, और मेंटोर के साथ कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली बात की है तो आप मेंटोर को नहीं ढूंढ सकते हो, मेंटोर आपको ढूंढेगा। उसको लगेगा कि ये सिखाने लायक है कि नहीं है, इसको हम लोग को सिखा सकते हैं कि नहीं, ये मेंटोर को लगेगा। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु को लगेगा कि इसको मैं शिष्य बना सकते हूँ कि नहीं, क्योंकि जो शिष्य है उसको उतना नॉलेज नहीं होता कि क्या समझना है, कैसे बिहेव करना है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, इसको पता नहीं होता क्योंकि वो उस लेवल पे है। लेकिन गुरु पता होता है कि ये इसका गाड़ी चलेगी, इसका नहीं चलेगी, अटकेगा, इसका सही होगा, ऐसा उनको लगेगा। अगर कहीं पे लगता है कि ये कहीं से सेट नहीं होगा, यू नो, तो फिर गाड़ी नहीं चलेगा, राइट। मैं कुछ लोग इवन मेरे साथ काम करने भी चाहते हैं ऐसा, मैं उनको देख के बताता हूँ कि तुम्हारा ये काम सेट नहीं होगा। नहीं नहीं मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगा, ना ना तुम कभी नहीं कर सकते ऐसा। मुझे गारंटी के साथ लग सकता है कि ये कभी, क्योंकि वो काम करने का तरीका, समझने का तरीका, मेच्योरिटी, सीरियस, सिंसियरिटी, ऐसा बहुत सारे चीज़ होता है जो उनके अंदर, वो कितना हवा में उड़े हैं वो कभी नहीं आ सकते हैं, राइट। तो उस तरह का, और उनको पता नहीं है उनके अंदर क्या कमी है, बोलते मैं तो सुपर हूँ, मैं ऐसे ऐसे मैं हूँ, ये हूँ, सब कुछ है, लेकिन नहीं होगा उनका, राइट। सो समवेयर मेंटोर विल नॉट, आप मेंटोर को ढूंढ नहीं सकते हो, आप ढूंढ के जा सकते हो, लेकिन मेंटोर डिसाइड करेगा कि वेदर मैं, वो जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, मैं पैसा दे दो किसी को मैं सिखाऊंगा, वो मेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। उनको पैसे से मतलब है, या ये भी मैं फेंकता हूँ पैसा, चल सिखा मुझे, ऐसा मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सच में जो रिजल्ट आएगा, उस तरह के मेंटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया, अगर जब भी आप मेंटर को मिलते हो ना, कभी मिलने के टाइम ये मत करना कि आपको क्या मिलेगा उनसे, राइट। ऑब्वियसली आप मेंटर के पास उसके लिए जाओगे, लेकिन आप अप्रोच करने टाइम ये नहीं दिखना चाहिए कि आपको इनसे क्या क्या सीखना है। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके पूरा वसूल करते हैं पहले कॉल पे, इसका बताओ क्या होता है, इसका बताओ क्या होता है, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है। मतलब ये भाई ठीक है, मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, ख़त्म। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा अपना खून चूस रहा हूँ खड़ा रहकर, राइट। तो ये मेंटर के पास कभी कॉल करके ऐसा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मतलब ही फील होता है मेंटर को, और वो नहीं चाहेंगे, राइट, इस तरह का। सो समय रिनो, आप उनको वैल्यू एडेड कुछ दे सकते हो, आप उनको कुछ प्लस दे सकते हो, राइट। अभी जैसे मेरा फेसबुक में फॉलो, सॉरी इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स है, तो मेरे फ़ोन के लिए बहुत वेट किए थे, मेरा कॉल अपॉइंटमेंट हुआ, मैंने फ़ोन भी किया, बात हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक बार बोला, सर मेरा कुछ 100 कुछ ऐसा फॉलोअर्स है, लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैं कली 1% फॉलो करता हूँ, वो है आप। मेरे को एकदम शॉक हो गया। और वो उनको 150 लोग फॉलो करते हैं, और 150 लोग ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो एक ही जन को फॉलो करते हैं, वो मैं हूँ। मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, मुझे शॉकिंग लगा, ठीक है, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। पहले मैं बात करता था कि मैं उनको बोलता था कि मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, आप अपना अपना देख लो, जोक है कभी देखते हैं। फिर जैसे मुझे लगा कि वो मेरे और कितना सीरियस है, और ये ऐसे बहुत सारे कुछ मेरे एक्टिविटीज़ में क्या क्या अच्छा करता हूँ, मेरे ऐसा सब थोड़ा है ना तारीफ करने का ऐसा, फिर मेरे लिए कुछ वैल्यू चढ़ा, सर आपके लिए मैं ये करके देता हूँ। नहीं नहीं पैसा वैसा नहीं चाहिए सर, आप, मैं आपको फ्री, मेरे को करके देता हूँ, मेरे को प्लीज़ ये करने दो ना आपके लिए, ऐसा कुछ आता है ना तो मन खुश हो जाए, चल ठीक है ठीक है। तो लगे दिल से लगेगा कि इनको कुछ हम लोग करना चाहिए, राइट, ऐसा मेंटर। तो जैसे बोला कि यार वो खाली एक ही फॉलो करते हो, मैं हूँ, तो मैं इम्प्रेस हो गया, राइट। मैं बोला ठीक है आपको कभी कुछ दिल होगा तो कॉल करो, मैं आपको बताता हूँ, राइट। समय सो मेंटर को हमेशा आप जाके देना चाहिए, आप उनसे लगना नहीं चाहिए ये खाली मेरे से लेने के लिए आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ये बहुत बड़ा फील होगा, ओके। सेकेंड, सच में बोला तो मेंटोर को आप जरूरत नहीं है, अनलेस एंटिल वो मेंटोर जिसको पैसे की ज़रूरत है, पैसा नहीं है तो वो पीछे पड़ा रहेगा, वो उस मेंटोर की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत सक्सेसफुल मेंटोर है जो पैसा का, फेम, पब्लिक, ये इसे कोई मतलब, उनको सब बहुत कुछ है, तो उनकी ज़रूरत आपको है,
आपको नहीं चाहते हैं, राइट, आपकी जरूरत नहीं है उनको, ये बात को आपको सीरियस समझना है। ओके, मैं रियल मेंटोर, जेन्युइन मेंटोर की बात कर रहा हूँ। एडमिशन लेने का आ जाओ है ना, एंट्री करते हैं, मैं उस तरह के मेंटोर की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो आपको वो चीज़ समझ में रहना है कि मेरे को, मुझे इनकी ज़रूरत है, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। ये रियल मेंटर्स ऐसे होते हैं, अगर आप सच में जाके बोलेंगे ना मुझे ये बताओ, तो वो बोलेंगे नहीं मैं बाद में बताता हूँ सर, मैं फ़ीस देने के लिए, हाँ मैं बताता हूँ तेरे, जब बुलाने का तो बुला लूँगा, जाओ। मतलब वो फीस के लिए भी पूछते नहीं हैं, उनको जब समय आएगा, उनको जब सही लगेगा, तभी वो आपको बुला के गाइडेंस देंगे, राइट। ये होता है रियल मेंटर्स। उसके बाद ये होगा कि आप कभी भी मेंटर को ऐसा अप्रोच मत करो कि उनको ज़बरदस्ती मेरे लिए करना है, राइट। सक्सेसफुल है तो क्या हुआ, पैसा है तो क्या हुआ, मुझे बताओ, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये पुअर मेंटालिटी एटीट्यूड होता है। आप जितना भी लोगों को देखेंगे ना, सब ऐसे ही होते हैं, अरे उसके बाद तो पैसा ना, पहले ऐसा था, आज तो अच्छा है, अभी मेरे को देने में क्या जाता है, अभी मेरे को मदद करने में क्या जाता है। भिखारी की तरह भीख मांगते रहते हैं, और ये भिखारी लोग कभी अमीर नहीं बन सकता, राइट। अमीर जैसे आप सोचेंगे, अमीर जैसे करेंगे तभी होगा। वैसे कभी मेंटर गुरु के साथ कभी डिनर के लिए जाते हैं आप, कभी इसके लिए जाते हो, आपको बिल पे करना है। उनका लेवल, उनका पैसा अलग है, लेकिन आपको पे करना है। और गरीब लोग क्या सोचते हैं मालूम है, पुअर मेंटालिटी पीपल लोग क्या सोचते हैं मालूम है, उसके पास पैसा है ना, देने दे उसको, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी अमीर नहीं बनोगे, तुम हमेशा भीख मांगते रहोगे, ऐसे भीख से ज़िंदगी चलेगा। आपको बिल पे करना चाहिए जब मेंटरों के साथ होते हैं। यही पुअर मेंटालिटी, पुअर पीपल का और रिच पीपल का डिफरेंस होता है, राइट। आपका गुरु, आपका मेंटोर, उनके खाना, उनकी बिल आपको पे करना चाहिए। सो दे विल लाइक यू, लव यू। अरे उसके पास तो पैसा है ना, उसको देने दे, पैसा उसके पास कम है क्या, कभी सुधरेगा नहीं, ये सब चीज़ आपको नहीं करना, राइट। और कभी मेंटर को अप्रोच करने के टाइम कोई जॉब के लिए, उनको काम पे मत लगाओ, राइट। मेरे को जॉब ढूंढ के दो, हाँ मेरे को कुछ 15-20 हज़ार का ज़रूरत है, थोड़ा पैसा दे दो ना। मैं ऐसा दोनों बेवकूफ़ लोगों को बहुत दिखता हूँ। मेरे जैसा YouTube में वीडियो है, हाउ टू सर्च जॉब ऑन इंटरनेट, सुरेश चलम। बस गाड़ी इतना भागता है, और लोग बहुत ढूंढते हैं, और उसमें रिप्लाई भी करते हैं, सर मुझे, मैं IT किया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, मुझे काम ढूंढ के दो, मैं ये किया हूँ, कुछ काम होगा तो बताना। यार ऐसा थोड़ी काम मिलता है, और उसमें मैं स्पेसिफिक बताऊँ क्या क्या करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, एकदम शॉर्टकट में सबको रिजल्ट चाहिए। ये दो लोग कभी ज़िंदगी में, मैं उनका रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, और मुझे वो कभी सुधरने का कोई चांसेस नहीं है, और ज़िंदगी भर भीख मांगते रहेंगे ऐसे लोग। तो मेंटर के पास, गुरु के पास जाके पैसा मत माचो, पैसा मत मांगो, और या आप जॉब के लिए मत ढूंढो, ये दोनों चीज़ मेंटर के साथ मत करो, वो नहीं होगा, राइट। सेकंड, मेंटोर थोड़ा कम रखो, मेंटोर 10-10, 15-15 मेंटोर नहीं होना चाहिए, और ये कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं होना चाहिए, इनका आइडियाज उनका आइडियाज। जैसे आपका एक स्पिरिचुअल मेंटर होगा, राइट, गुरु मानते हो, जो साधु संत है, और आप दूसरे मेंटर है जो बिजनेस में आपको साधु बिजनेस ये बोलता, पैसा सब वेस्ट है, पैसा ज़िंदगी बर्बाद कर डालता है, आदमी को खोखला बना देता है, ऐसा ये बोलता, राइट। और दूसरा बोलता है कि पैसे के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा तो ऐसा दोनों कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो आपका कोलैप्स हो जाएगा। सो ऐसा दोनों अलग अलग मेंटर नहीं होना चाहिए, एक ही मेंटर होना चाहिए, लगभग सबका सोच विचार थोड़ा ऐसा एक ही हो, तो आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। अगर आपका मेंटोर 2-3 है, तो आप पैराशूट में जैसे आराम से लैंड हो सकते हैं, राइट। अगर आपका मेंटोर 15-20 जन है, दुनिया में जो भी आएगा सब नॉलेज लेते रहते हो, तो ये फ्लैट हो जाएगा, और आप कभी भी मुंह के मारे गिर सकते हो, राइट। सो यू शुड नो कि किस तरह का मेंटोर आपको रखना है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी करना है, आपको जो लेवल पे पहुंचना चाहिए वो लेवल पे वो है क्या, वो देखना है। ये मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हूँ, लेकिन ये भी देखना है कि उनकी जो राह है, उनकी जो सजेशन है, उनकी जो काम करने का तरीका है, वो जो आपको होमवर्क देंगे, वो एडवाइस करेंगे,
आपको वो राह में चलना है, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। आपको जो उनकी जो डेस्टिनेशन है जहाँ तक वो पहुँचे हैं वो चाहिए, लेकिन जो रास्ता है वो नहीं चाहिए। ऐसा कैसे होगा? वो आपको बुरा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा जो उन्होंने रास्ता पे गया, या उनका हार्डवर्क जो करने का तरीका है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या जो सोचने का तरीका है। अभी जैसे मैं किसी को बताता हूँ कि आपको अगर मनी रिलेटेड कुछ बात करना है, पैसा बनाना है, तो आप ये मत करो कि पुअर लोगों को जो पैसा अवॉर्ड नहीं कर सकता उनको ट्रेनिंग मत दो, ठीक है। अगर आपका ट्रेनिंग करने का वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, सो कोई आके गरीब है उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो 500 रुपये में ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है या फ्री में करने के लिए तैयार, मत करो। आप उनके लिए 10,000 रुपये और किसी को दे दो, उनको ट्रेनिंग देने बोलो। आपका बिजनेस और एनजीओ इसको कोलैप्स मत करो, है ना, आपका वैल्यू इसको कोलैप्स मत करो। ये मेरा सोच है, ऐसा थोड़ी होता है सर हमको तो सबको हेल्प करना है। तो मुझे बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दूंगा, मुझे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लगता है, मेरा सब भविष्य है, राइट। लेकिन हार्ड सच ये है कि स्टूडेंट के साथ आप यू कैन नॉट मेक मनी, बिकॉज स्टूडेंट्स को कन्विंस करने का आप स्टूडेंट्स के पेरेंट को कन्विंस करना पड़ेगा। इसमें से कोई एक भी मंजूर नहीं है तो काम नहीं आगे चलेगा, राइट। इट्स अ कन्फ्यूजिंग इंडस्ट्री। कुछ लोग मुझे वही में रहना है, रहो वही में रह के फिर आपका मैं जो इनकम करना चाहता हूँ वो आप यहाँ से आ नहीं सकते हो। या कुछ पंडित लोग या पुराने ज्ञान सब कुछ होता है वो बोलते हैं कि मेरा शास्त्र में ऐसे बताए हैं, उन्होंने ऐसे बताया है, मैं ऐसा कहीं पे पढ़ा है। नो, इधर उधर से पढ़ा हुआ लेके आप मेरे रास्ते पे आके आपका जो इनकम चाहिए वो नहीं कमा सकते हो, राइट। आपको वो सब निकाल देना चाहिए, आपका दिमाग से हटना चाहिए, और मैं जो बोलता हूँ जो सोचे चार में ऐसा आना चाहिए, तभी आप पहुँचोगे, राइट। सो समीर मेंटोर जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पसंद करें हो, खाली वो रिजल्ट्स में जाने, उनकी जो जहाँ तक आपको मकाम काम तक आपको लेके जाना चाहते हैं, अगर वो वहाँ पे जाना है तो इनकी बात सुनना पड़ेगा, आपकी सोच विचार से नहीं चलेगा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड जब भी उनके साथ रहते हो थोड़ा ध्यान रखो, उनका समय होता है, उनका टाइम होता है, उनका प्राइवेट स्पेस होता है, राइट। कुछ चीज़ें हैं वो बताना नहीं चाहेंगे या फिर अकेले रहना चाहेंगे, ऐसा बहुत कुछ है। सो उसको ये करना, कोई कोई होटल में आके डायरेक्ट रूम में जाके 308 में बेल मारता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसेप्शन में बोलना चाहिए सर मैं आ रहा हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं आ जाऊँ क्या ऊपर, ऐसा फिर रहना चाहिए। सो थोड़ा सा वो स्पेस देना चाहिए उनको, टाइम आपको देना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जब भी उनके साथ आप बैठते हो हमेशा एक नोट लेके जाया करो, मतलब लिखने के लिए, उनको अच्छा लगेगा कि ये बंदा सीरियस है। ऐसे हवा में उड़ के जाके लिखने के लिए चला गया, यू आर अ फूल, ओके। सो मेक श्योर व्हेन यू मीट अ मेंटोर हैव द नोट एंड स्टार्ट राइटिंग इट। डिनर हो फिर या लंच के लिए गए हो, नो प्रॉब्लम, कैरी नोट विद यू। मेंटोर कब क्या बोलेगा पता नहीं, आपको लिखना चाहिए, राइट, उसके लिए। और मैं हमेशा करता हूँ, और मुझे मेरे पास जो भी आता है वो लिखता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ तक कि मेरे CEOs, मेरा बड़ा बड़ा जो भी, उनके साथ मैं बैठने चाहता हूँ, यहाँ तक मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि उनकी हर एक बात मैं छूट नहीं जाऊँ, राइट। और उनकी जो भी आइडियाज़ विजन है मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि मुझे A to Z करना है। बाकी बेवकूफ़ लोग मेरे साथ आते हैं ऐसी हवा में आके चिट्ठी विट्टी लेके आते हैं, चिट्ठी में 4 पॉइंट नोट करते हैं, पता नहीं उनका पूरा आधा घंटे का 1 घंटे का मीटिंग में वो कंप्लीट उनको वो 4 चिट्ठी में आ जाएगा, मुझे आइडिया नहीं है, राइट। सो समवेयर यू हैव टू वेरी सीरियस। मेरा CEO कभी बोलता है यार तेरे साथ बात करने के टाइम सोच के बात करना चाहिए, तू मेरा सांस लेने का छोड़ने का इतना भी पावरफुल तो ले लेता है, राइट। या ऑब्वियसली मुझे सीखना है, बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे बड़े लोग का हर एक शब्द मुझे लेना है, उनकी उनकी मूवमेंट्स मुझे पढ़ना है, राइट। सो यू हैव टू बी लाइक दैट। सेकेंड, अगर कोई एक आध मेंटर मिले तो उनके साथ काफ़ी दिन ट्रैवल करो, क्योंकि उनके हर एक दिन जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा उन्होंने आपने एक वीडियो देख लिया, हाँ अभी मैं हो गया, इनके बारे में मालूम ही रहे, ये इधर करते हैं ना बोलते ना चिल्लर आवाज़ करता बहुत, जैसे आप मत करो। एक मेंटर है उनके पूरा कंप्लीट स्टडीज करो, अप्रोच करो, उनके साथ ही रहना, कभी मिंगल हो गया कभी आपको रहना चाहिए, या 2-3 मिनट ज़्यादा उससे ही मॉनिटर नहीं होना चाहिए, सब क्लोज हो जाएगा। और सबसे लास्ट एक बोल के मैं आपको ख़त्म करता हूँ, हमें एक पूछना चाहिए, राइट।
मेंटर को जाके पूछना चाहिए, आप में से जितना लोग वीडियो देखते हैं उन्होंने कभी सबको तो पैसा बनाना है, लेकिन कभी किसी ने जितना भी मालिक है पैसा बनाना उनको जाके पूछा, सर मुझे आप सिखा सकते हो कैसा पैसा बनाना है, या फिर आप कभी जाके किसी को बोला हाउ यू कैन बी हैप्पी यू नो, या फिर आप इतना फेमस है आप कैसे है मुझे बता सकते हो, ऐसा आपने कितना लोग ने पूछा? जब तक हम लोग पूछेंगे नहीं हमें कोई मिलेगा ना, राइट? सो वो ताकत होना चाहिए। अच्छा, जाके पूछने के टाइम ये बोलने का बताओ मुझे क्या है, पकड़ में थोड़ी बताएगा, बोलो सर आपको जो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन फ्री में मैं आपको काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे खाली सिखाओ कैसे करना। ऐसा पूछा वो लोग आज बहुत सारे मिलीनियर्स हैं, जो रोड पे खाना खाने का वादा था तो आज मिलीनियर्स हैं बोलो कैसे, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने डायरिंग के साथ जाके पूछा कि मुझे सिखाओ ये कैसे करना चाहिए। सो जब तक आप ये चीज़ नहीं करते हो, इतना डायरिंग से जाके पूछते नहीं हो, आपका सक्सेस का मुद्दा नहीं जा रहा है। सो ये पॉइंट्स नोट करिए एंड बी गुड विद दैट मेंटर एंड आई थिंक योर लाइफ विल बी वेरी फैंटास्टिक, राइट? थैंक यू सो मच, मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।